तो हमने देखा कि आईओ कॉइन की लिस्टिंग हुई बाइनेंस के ऊपर, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, एंड सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है जिसकी वैल्यू सेम डे में $5-6 तक गई थी। और उसके बाद हमें एक ऐसा मौका भी मिला कि ये कॉइन बहुत लंबे समय तक $4 या फिर उससे ऊपर भी रहा है, और अभी क्या है कि एक सडनली बहुत बड़ा पंप आया, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें और भी बड़ा पंप आने वाला है। तो एक्चुअल में अभी आपको एक शायद मौका भी मिल सकता है फिर से दोबारा एंट्री लेने का। तो आईओ कॉइन के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने आईओ कॉइन अभी तक नहीं लिया है तो शायद आप बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट मिस कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉफ्टवुड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसके साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्टवुड ऑफिशियल, आप सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसके ऊपर क्लिक करते ही आप सीधा टेलीग्राम के ऊपर चले जाओगे, तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो ओवरऑल मार्केट न्यूट्रल चल रही है, लेकिन टॉप ट्रेंडिंग में से कॉइन्स जो हैं वो बाइनेंस के ऊपर जो लिस्ट हुए थे, जैसे कि ENA एथेना के नाम से वो है, और IO.NET जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, यानी कि लॉन्च पूल वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हाइप में अभी भी चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो एथेना कॉइन था वो भी AI बेस्ड कॉइन था, और ये जो IO कॉइन है ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट है, और ये टोटली डिपेंड हो रहा है AI के ऊपर, GPUs के ऊपर, और उनके द्वारा जितनी भी पावर जनरेट हो रही है जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में हो रही है उनके ऊपर डिपेंड हो रहा है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट है जो कि पहले GPU वाले जितने भी पहले प्रोजेक्ट आए हैं उनसे भी एडवांस्ड एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ी वॉल्यूम जनरेट करी, लगभग $2 बिलियन की वॉल्यूम जनरेट करी, एंड करंटली अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो ये लगभग अभी चल रहा है $465 मिलियन के आसपास, और वॉल्यूम जो 24 आवर्स का है ये लगभग $1 बिलियन के आसपास चल रहा है, और इसकी जो पोजीशन है वो वॉल्यूम के हिसाब से 11 चल रही है और मार्केट कैप के हिसाब से 132 चल रही है। और आपको बताया था कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो बहुत ही कम है, जो कि 800 मिलियन आयो के आसपास है, और अभी सर्कुलेटिंग सिर्फ 95 मिलियन आयो कॉइन्स की ही है। तो इतनी सी वॉल्यूम में ही आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो आयो एक ऐसा कॉइन है जो कि GPU नेटवर्क वाला कॉइन रातों रात बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर गया, और $2 बिलियन तक की इसने ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जनरेट करी। तो ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी GPU हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनकी जो कंप्यूटिंग पावर अंडर यूटिलाइज है, जिनको यूज़ नहीं किया जा रहा, तो उसको इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर्स के द्वारा, क्रिप्टो माइनर्स, कंज्यूमर GPUs के द्वारा धीरे धीरे उसको इकट्ठा करके यहाँ पे एक पावर जनरेट करी जा रही है। तो इससे क्या है कि एक एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर बन रही है जो कि मशीन लर्निंग के ऊपर भी काम कर रही है और AI के ऊपर भी काम कर रही है, क्योंकि AI को रन करने के लिए, ML को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पावर चाहिए जो कि इन्हीं GPUs के द्वारा होने वाली है, और यही काम आयो का है, यानी कि आयो का जो प्रोजेक्ट है वो इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट कभी ओल्ड नहीं होने वाला, यानी कि ट्रेंड से बाहर नहीं जाएगा, ये हमेशा प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा। आज अगर आपके पास 5-10 कॉइन्स हैं, 20-100 कॉइन हैं आज आपके पास पड़े, तो आने वाले समय आपको डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट देने ही वाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि क्यों ये कॉइन लिस्ट होने के बाद प्राइस जब नीचे आया उसके बाद फिर से $5.5 तक गया, यानी कि 40% का सडन प्रॉफिट हमें देखने को मिला, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी लग रहा था, क्योंकि जनरली ऐसा किसी भी कॉइन के साथ नहीं होता जो एक बार लिस्ट हो जाता है बाइनेंस के ऊपर उसके बाद प्राइस हमेशा ड्रॉप ही होता है, लेकिन ये उन गिने चुने कॉइन्स में से एक है जिसने दोबारा से बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। तो इसी प्रोजेक्ट ने लगभग 8 महीने पहले 19,000 से ज़्यादा GPUs को इंटीग्रेट किया, 6,000 से भी ज़्यादा CPUs की पावर को इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया, जिससे क्या कि प्रूफ ऑफ कंप्यूट स्टैंडर्ड्स इन्होंने जनरेट किया, और अभी भी इनका मकसद सिर्फ यही है कि जितने ज़्यादा GPUs हो सकते हैं तो वहाँ से 100x बनाना चाहते हैं, यानी कि अपनी पावर को, अपने नंबर ऑफ GPUs को बढ़ाकर यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर बढ़ाएंगे, जिससे क्या कि हमेशा ये प्रोजेक्ट ट्रेंडिंग में ही रहने वाला है। तो करंटली ये लगभग $5 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपने आयो कॉइन अभी भी बाय नहीं किया, एक नीचे का थोड़ा सा नीचे एक लिमिट ऑर्डर लगा कर रखो, आपको बाइंग का मौका मिल सकता है, एंड डेफिनेटली प्रॉफिट भी बहुत बड़ा मिल सकता है। बाइनेंस के ऊपर करंटली इसकी वॉल्यूम लगभग 60% चल रही है, यानी कि बाइनेंस अगेन वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज ही चल रहा है इस वक्त, लेकिन धीरे धीरे ये बायबिट, HTX, गेट, क्यूकॉइन, MEXC इन सभी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्ट भी हो चुके हैं। अब इसके बाद कुछ और इसकी खास अपडेट्स आएंगी, जैसी कोई भी अपडेट आती है तो ये कॉइन हमेशा पंप होने ही वाला है। अब इसका मेन रीज़न भी हम बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये सोलाना बेस्ड कॉइन है, सोलाना वाला कोई भी चाहे मीम कॉइन ही क्यों नहीं मार्केट में आ जाता तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। तो करंटली सोलाना ऑलरेडी $150 के आसपास चल रहा है। अब इसका खुद का कॉइन जो आयो है ये भी बहुत अच्छा, इसने मतलब रातों रात बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया, $5-6 तक गया, और इसके मीम कॉइन्स भी अच्छे चल रहे हैं। तो सोलाना के इकोसिस्टम में अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, कोई कॉइन आता है, तो हमेशा उस कॉइन के ऊपर निगाह रखें, वरना मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर तो बता ही दूंगा, तो इसमें हमें एक बड़ा प्रॉफिट
डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कॉइन की डिटेल्स लाकर दूंगा। और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ वॉशवुड ऑफिशियल के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वॉशवुड के वीडियोज़ हमेशा मिलते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।